कोरोना काल में भी अंतरराष्ट्रीय जिस्म फरोशी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। थाईलैंड के एक कॉल गर्ल 7 लाख रुपए में भारत लाई गई थी। कोरोना संक्रमण के कारण युवती की मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस जांच में कई दबे राज परत दर परत खुल रहे हैं। इस बीच एक निजी न्यूज चैनल के इस पूरे वारदात ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें एक रायपुर के व्यापारी का नाम सामने आया है। दरअसल 4 PM न्यूज नेटवर्क के मुताबिक उन्होंने कॉल गर्ल के गाइड सलमान से बातचीत की। इस दौरान उन्हें सलमान ने बताया कि रायपुर के किसी राकेश शर्मा का कॉल आया और उनके पास। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक लड़की लखनऊ में है, वो बेहद परेशान है, उसे मदद की जरूरत है। इसके बाद लड़की लोहिया अस्पताल में भर्ती थी, मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता। 4 PM न्यूज नेटवर्क के मुताबिक जो व्यापारी राकेश शर्मा है, उनका नाम छुपाया जा रहा है, कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। धन बल के माध्यम से मामले को रफा दफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन गाइड ने रायपुर के राकेश शर्मा का नाम बताया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थाईलैंड से आई एक कॉल गर्ल की कोरोना से मौत हो गई है। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कॉल गर्ल को 10 दिन पहले ही लखनऊ के एक टॉप व्यापारी के बेटे ने 7 लाख रुपए खर्च करके थाईलैंड से बुलाया था। 2 दिन बाद ही वह बीमार पड़ गई थी।